लोगों से मिलती रहती हूँ, मैं उनकी बातें सुनती हूँ, तो पता चलता है कि वे लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। मैं पीपीटी जी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूह के सदस्यों से भी मिलती हूँ। पिछले महीने उनको मैंने राष्ट्रपति भवन में भी आमंत्रित किया था। उन समुदाय से सभी देशवासी बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति के साथ प्यार भरा रिश्ता बना रहे, जीवन जीने की उनकी कला अद्भुत है। हम सबको उनके साथ मिलकर उनके समग्र विकास के लिए कार्य करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सारा भारत में आकांक्षा जिले को लिस्ट किया गया है। उनमें से बहुत सारे जिले आदिवासी अधिष्ठित थे, उसी जिले को डेवलप करने के लिए सामूहिक विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ, ये केवल अधिकारियों के ऊपर ये जिले को छोड़े नहीं, ये जिले के ये जिला के संरक्षक खुद मुख्यमंत्री खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं निश्चिंत हूँ ये जिला जरूर पिछड़े नहीं होगा, कभी पिछड़े था लेकिन मुझे लगता है ये जिला एक पहले कतार में रहने वाले जिले में जरूर शामिल होगी, जिसके संरक्षक मुख्यमंत्री जिसके संरक्षक उप मुख्यमंत्री जिसके संरक्षक केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री होंगे और जिला कभी पिछड़ा नहीं हो सकता। मुझे लगता है एक आगरे कतार के जिले में ये आ जाएगा। इसी के लिए केवल सरकार के ऊपर नहीं, मैं सभी आदिवासियों एवं पिछड़े रहने वाले सभी भाई बहन को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अपने में भी आगे बढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप खुद आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आगे बढ़ा नहीं सकती। इसीलिए हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर सभी लोगों के साथ कंधे के से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के अंदर जुनून भी रहना होगा। देवियों और स्वजनों, ग्राम सभा सदस्यों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जनजातियों समुदाय के समर्थ बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा यूनिवर्सिटी एट द ड्रॉप्स डोर स्टेप जैसे नई और समावेशी प्रयास विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के इनोवेशन सेंटर में अनेक स्टार्टअप्स का सहायता प्रदान की है। मैं शिक्षा ज्ञान के सृजन तथा नवाचार के इन सभी प्रयासों के लिए विश्वविद्यालय की टीम को बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब सौभाग्यशाली है कि आपको नई सोच और ऊर्जा के से युक्त इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। विद्यार्थियों सहित विश्वविद्यालय समुदाय से वैश्विक समस्याओं के अध्ययन और उनके समाधान की अपेक्षा की जाती है। क्लाइमेट चेंज तथा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करना एवं पारंपरिक ज्ञान और नवीनतम टेक्नोलॉजी नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से ऐसी समस्याओं का समाधान निकालना आप सबका कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु आप सभी में पर्याप्त योग्यता और क्षमता विद्यमान है। मैं आप सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि जीवन में कुछ बनने का और अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ आप सब इस विश्वविद्यालय और अपने क्षेत्र से जुड़ाव बनाए रखेंगे।
समाज और देश के समावेशी विकास में आप सब युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सभी के चेहरों पर खुशी, आंखों में नई उड़ान के सपने होना स्वाभाविक है। ये खुशी, ये सपने और खुद पर भरोसा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। अपनी प्रतिभा और कौशल का भरपूर उपयोग करके आप सबको सफलता के नई अध्याय लिखने होंगे। रास्ते में कठिनाई तो है, जरूर आएंगे, लेकिन आपको डटकर उनका सामना करना होगा। चुनौतियों का सामना करके आप अपने लक्ष्यों तक अवश्य पहुंच सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आप जीवन में आगे बढ़ते हुए देश विदेश में अपना पहचान बनाएंगे और इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों और पदक विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सभी के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल मैडम। धन्यवाद मैडम। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रपति जी को, जो गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को